अस्सलाम वालेकुम जी। अमरीका दे विच ना अजकल इन्हां दो चौं डंगां तो अगदो एक दिन मनाया गया है जिन्हों आखदे ने मेमोरियल डे। अमरीका च मेमोरियल डे क्यों मनाया जांदा और इस दिन दा मकसद यह है कि फौज ने जितनियां इस मुल्क दे वास्ते कुर्बानियां दित्तियां ने उन्हां कुर्बानियां नूं याद करन वास्ते यह दिन जिहड़ा ओह मनाया जांदा। ओहदे मनाउण दा ना एक बड़ा मखसूस तरीका है जिहड़ा गोरियां दा। ओह तरीका यह है कि ज्यादातर ते पार्टियां करदे ने एक दूजे कोल इकट्ठे हुंदे ने और फिर उस तो बाद कैंपिंग वगैरह कर देन। लेकिन जो भी ये करना चाहे पार्टी या कैंपिंग कुछ भी करें उस सारे दे एंड उत्ते जो दी शुरुआत दे उत्ते ना ये शराब शुरू पींदे ने और शराब पीण लगे तुहानू पता है जिवें साडे लोग चीयर्स कर देन ना ये भी फिल्मां च तुसीं तक्के होणा ये उस चीयर्स की बजाय ना ये टोस्ट कर देन। वो चीयर्स यो जिहड़ा टोस्ट करीदा ये वो किसी नूं ना डेडिकेट कर देने असल दे विच ते वो टोस्ट करन लग्या एक दूजे नूं टोस्ट करके आदे ने कि टोस्ट टू द सोल्जर्स टोस्ट टू द सैक्रीफाइसिज ऑफ आवर मिलिट्री ठीक है इंज दियां गल्लां टोस्ट टू द सोल्जर्स गॉट किल्ड इन वियतनाम गॉट किल्ड इन अफगानिस्तान इंज करके। तो मैं डिसाइड किया कि साडे वास्ते भी ना एक मेमोरियल डे होना चाहिए और वह मेमोरियल डे इंज का होना चाहिए जिद असी जरा ना वो बाकायदा फौज दी कुर्बानियां वास्ते मेमोरियल डे मनाया जाए और उत्ते भी ना इंज की कोई ड्रिंक पैप्सी कोक पा के ना तो बकायदा उन्होंने मनाना इस तरीके नाल कि तुसी टोस्ट करना है साढ़े सारे डी एच एस जिदे विच साडे मुल्क दी एलीट वसदी है टोस्ट करना है सारी उस कब्जे वालियां जमीना नू जिदे उत्ते अज साडी फौज जिहड़ी उह बकायदा सी एस डी ते कैंट बना के और पूरे पूरे शहर आबाद करके बैठी है टोस्ट करना है तुसी सारे और जितने भी जलसे जुलूस और जितने भी लोग जड़े फड़े गए ने ये 9 मई के सानियात और जड़े सानियात बकायदा तौर पर मुनक्किद कराए गए ने और तुसी टोस्ट करना है सारी उन्हें बिल्डिंगा उन्हें इदारियां की गुरमत नू जिन्हों बरकरार रखने वास्ते फौज जिमें जिमें हथकंडे अपना रही है इन्ह सारिया शीयां नू टोस्ट करन तो बाद तुसी एंड उत्ते टोस्ट करना है हाफिज़ साहब नू कि हाफिज़ साहब नू रब जल्दी जल्दी उतां चुक लवे कि हाफिज़ साहब नू ना रब चुकिया तो मुड़सान जिहड़ा ना वो टाइमो टाइम चुक लवे ताकि किसे पासे ते लगी।